समाज की हित के लिए भी व्यापार के अलावा सोचना तो बड़ी बात है। ये तो सिर्फ और सिर्फ जैन समाज के लोगों को ये तो हित है, क्योंकि तो देश भर में मैं जब घूमता हूँ जहाँ भी इतना सक्रिय रहते जैन के जैन संघ के सदस्यों ने हर कार्यक्रम में आगे रहते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अशोक नगर में जितने भी आज तो योगा का भी जो आप जो सेंटर बना है और हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री तो योग के बारे में दुनिया भर के लोगों को उसमें जुड़ाया ताकि हमारा स्वास्थ्य 24 घंटे में एक घंटे अगर हमारा स्वास्थ्य के लिए अगर दिया गया तो हम ठीक रहेंगे। अगर जब हम ठीक रहेंगे तो समाज भी ठीक रहेगा, तभी देश का रहेगा। क्योंकि इसके पहले जो भी हमारे जितने भी समस्या थे, छोटे मोटे समस्या थे, जैसे कोरोना जैसे महामारी समस्या हो, यह आज हम देख रहे यूक्रेन और रशिया का युद्ध वातावरण, पूरे जितने भी समस्या हम को हल करने के लिए दुनिया के ओर देखते थे, दुनिया के देशों के ओर हम देखते थे, और 2014 के बाद ये लोगों में नहीं पूरा दुनिया के अंदर जो भी समस्या उत्पन्न हुआ आज बड़ी बड़ी देशों में भी वो हमारे भारत देश के ओर और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के ओर, क्योंकि कोरोना कालखंड के बाद और हमारे यूक्रेन रशिया युद्ध के बावजूद भी आज भारत देश आज आर्थिक स्तर पर दुनिया के अंदर पांचवी स्थान ग्रहण करना ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के नेतृत्व में संभव, आप जैसे व्यापारी लोगों के भी संभव। आज सभी गर्वान्वित है क्योंकि G20 जो समिट आज देश भर जो किया जा रहा है पूरे देश के लगभग 20 राज्य जो आज हमारे पूरे 200 शहर के अंदर नगरों के अंदर जो समिट किया जा रहा है, हमारा जो भी संस्कृति है हमारा जो भी संप्रदाय है और पूरा दुनिया को परिचय करना और दुनिया को हमारे लोगों को परिचय करना एक अच्छा मौका G20 समिट है। इसलिए मैं आपसे भी अनुरोध करता हूँ आप भी इसमें भागीदार बने, आप भी जब हमारे हैदराबाद में ये समिट होता है पूरा जैन समाज में किस तरह हमारा जो भी यहाँ का कल्चर है जो भी हमारा ट्रेडिशन है ताकि पूरा समाज और दुनिया देख सके, उस माध्यम से आप भी आगे आइए और हमारे तेलंगाना को भी जिस तरह अभी गुजरात और हमारे उत्तर प्रदेश और हमारे अन्य जो राज्य आगे बढ़ रहे हैं विकास के ओर, विकास के साथ गरीब कल्याण के बारे में जिस तरह सोच मोदी जी का है नरेंद्र सरकार का, उसी तरह विकास आने वाले दिनों में तेलंगाना में भी लोग आज हमारे और बड़ी आशा से देख रहे हैं, विश्वास से देख रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पूरा जैन समाज भी हमारे साथ जुड़े हैं और ऐसा मजबूत करेगी मोदी जी के आज नेतृत्व को आने वाले दिनों में तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाकर देश में एक बड़ी दुनिया के बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ जो भी मुझे आज निमंत्रण देंगे।